खास मेहमान हमारे साथ आज शुभ प्रभात में आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने ऑफिस से बात कर रहे हैं और सुबह सुबह वो ऑफिस आ जाते हैं और कैसे आते हैं उन्हीं से जानेंगे क्योंकि ये बड़ा खास उनका मोड ऑफ ट्रैवल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं रिजवानुद्दीन साहब, आप एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के और इस समय हमारे साथ हैं सुबह सुबह शुभ प्रभात में। वेरी गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात आपको। गुड मॉर्निंग संजीव जी। जी मैंने सबसे पहले बात करनी है आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, आप जब आते हैं ऑफिस और घर जाते हैं वो कैसे जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हो गया हमारे लिसनर्स को इस बात पे। देखिए मैं हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए काम करता हूँ और मुझे जिम जाने का, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को वैसे ही टाइम नहीं होता इतना ज्यादा काम है यहाँ पे, तो मैं साइकिलिंग करता हूँ अपने घर सैनिक कॉलोनी से। यहाँ रेलवे रोड पे पीएफ ऑफिस है, लगभग एक दिन में 18 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाती है आना जाना, तो ये एक घंटा से ज्यादा समय लगता है इस ट्रैवलिंग में आने जाने में। जी तो जिम जाने से बेहतर है कि आप साइकिलिंग करें और टाइम भी बचेगा पैसा भी बचेगा, हेल्थ और एनवायरनमेंट का कॉज है, प्रमोट होता है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस कॉज को अपने श्रोताओं तक पहुंचाया। और ये आपकी रूटीन है ना सर डेली? ये मेरा रूटीन है और ये ही शायद मुझे एक एनर्जी देता है या मैं जो काम कर पाता हूँ यहाँ पे, ये इसमें बहुत बड़ा सहयोगी है, ये साइकिलिंग जो है इसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। दूसरी बात आप पूरा गियर अप होके चलाते हैं ना, पूरा हेलमेट और सब कुछ लगा के, क्योंकि हमारे कभी साइकिल चलानी नहीं, ना मोटरसाइकिल ना साइकिल। जी क्योंकि आई हैव गॉट अ स्टोरी ऑन माय हेलमेट साइकिलिंग, एक स्टोरी आप देखेंगे कि उसमें छोटा सा डेंट है, बहुत शार्प डेंट है वो। अच्छा अगर आप देखेंगे गड्ढा सा है, अगर आप हेलमेट ना होता शायद मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। ओहो अच्छा, बिना हेलमेट के साइकिलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। जी 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 ये हो गई देखिए फिटनेस की बात। सुबह सुबह अभी लोग वॉक भी कर रहे होते हैं और उन्होंने ईयरफोन भी लगाए होंगे, कईयों ने कुछ गाने सुन रहे होंगे, कुछ हमारे प्रोग्राम सुन रहे होंगे, बाकी घरों में बैठ के सुन रहे हैं और फिटनेस की बात हमने सबसे पहले कर दी। अब बातें हैं आज के दूसरे विषय पर और जो आज दिन है लेबर डे कहते हैं और चूंकि आप सीधा श्रमिकों से जुड़े हुए हैं, श्रमिकों की बात करते हैं हमेशा जब भी हम आपसे कॉल करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं या आप आमने सामने बैठ के बात करते हैं रेडियो के लिए, तो हम श्रमिकों की बात करते हैं, ईपीएफओ उनसे जुड़ा हुआ। सबसे पहले ये बताइए कि आज के दिन की अहमियत आपकी नज़र में क्या है? देखिये ईपीएफओ जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहलाता है हिंदी में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज मीन्स लेबर्स। तो ये एक जो हमारे स्टेक होल्डर है, कस्टमर जिसको कहते हैं, मैं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से काम करता हूँ, तो लेबर हमारे लिए तो ईपीएफओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इस ऑर्गेनाइजेशन का कॉज है, इसका मकसद है, इसकी एग्जिस्टेंस का रीजन है। और मेरा जो कार्यालय जम्मू में हम जो काम कर रहे हैं एज अ टीम काम करते हैं और मेरे पास एक आउटसोर्स टीम है, बाकी मेरे कुछ अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार हैंड होल्डिंग सपोर्ट और फैसिलिटेशन में बिलीव करते हैं। मैं आपको कुछ नाम बता दूं, सुमित शर्मा जी का क्लेम है 24/4 में ये ऑर्डर हुआ है हमने किया, या राकेश कुमार जी, ऐसे लोग थे जिनके क्लेम लौट रहे थे, विजय कुमार, किसी छोटी छोटी वजह से, कहीं फादर्स नेम अपडेटेड नहीं था, कहीं फादर के नाम में हल्का सा अंतर है पासबुक में और केवाईसी में, तो वो सारे ऑर्डर्स मैं पर्सनली करता हूँ। अभी अभी एक क्लेम है दुर्गा सिंह जी का, जिसमें पेंशन का कुछ डाउट था डीलिंग हैंड को, कि कुछ महीने का गलत पैसा कट गया या उनको नॉन ईपीएस मेंबर ट्रीट कर लिया गया, तो मैंने उसमें ऑर्डर किया कि नहीं पीएफ से पेंशन ट्रांसफर करके इनको वापस पेंशन का राइट दें और पेंशन का पैसा दें। तो ये सारी चीजें हम इंटरवेंशंस करते हैं 1-to-1 केसेस में। मैं बता दूं पूरे भारतवर्ष में रिटर्न रिजेक्शन रेशियो में जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू खासकर है ऑफिस का, काफी प्रोएक्टिव हमने एक्शन लिए, जो काफी कम रखा गया कि क्लेम कम से कम रिटर्न हो, ये मेरा पर्सनल अप्रोच रहता है। तो आज जो सुन रहे हैं लिसनर हमारे श्रमिक हैं, श्रमिक भाई हैं जिनकी वजह से ये देश चलता है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं मे डे पे, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या वो डेली जो काम करते हैं उसके बारे में? देखिए मैं उनको सिर्फ यही कहूंगा कि पीएफ की जो सेवाएं लेनी है वो सारी ऑनलाइन सेवाएं हैं। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें हर लेबर की, जो जहां भी, जो खासकर कंस्ट्रक्शन फील्ड के, कि वो हमारा एक नंबर है ईपीएफओ का 600-6507049 पे, यदि उनको पीएफ की पात्रता नहीं दी गई है, किसी ने मेंबरशिप पात्रता होते हुए मेंबरशिप नहीं दी है, तो वो मुझे डायरेक्टली इस पे अप्रोच करें या व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करें। आपको एक 12 डिजिट का पीएफ नंबर के अलावा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो हर जगह कॉमन रहता है, पूरे मतलब उम्र भर आपका एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहेगा, तो वो एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें केवाईसी लगा होना चाहिए और जहां भी आप काम करें ये इंश्योर करें कि आपको पीएफ मिलता रहे।
कोई भी वर्कर यदि लाइफ में एक बार पीएफ का मेंबर बन गया तो फिर उसका कोई भी वेतन हो, चाहे वो 50,000 सैलरी पे भी काम कर रहा हो, उसको पीएफ का मेंबर बनाना मैंडेटरी है। तो ये बातें हैं, ये जानकारी रखें। पीएफ ऑफिस जम्मू से कोई भी सेवाएं लेनी है तो हमारा कॉलिंग नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं, 3510787 पे आप बात कर सकते हैं, इसको लगातार लोग उठाते हैं, या फिर 6006567049 पे हमें आप व्हाट्सएप करके अपनी बात कह सकते हैं। और हर वर्कर को चाहिए कि वो मेंबर बन जाए, उसका नियोक्ता उनको पीएफ की मेंबरशिप दे, क्योंकि उनके परिवार को अधिकतम जो राशि है इंश्योरेंस की राशि, मैं बता दूं 7 लाख का बेनिफिट है, और पेंशन है लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट के बाद हर वर्कर को। यदि किसी वर्कर की, श्रमिक की कार्य के दौरान एक्सीडेंट हो जाए और डिसेबल हो जाते हैं वो, तो उनको जीवन पर्यंत पेंशन है। इन केस ऑफ डेथ, कोई वर्कर की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को जीवन पर्यंत पेंशन है, वाइफ को लाइफ लॉन्ग पेंशन है, बच्चों को 25 साल उम्र तक पेंशन मिलती है, और डिसेबल्ड चाइल्ड है कोई अगर तो उसे लाइफ लॉन्ग पेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हैं, वो हर व्यक्ति जो श्रमिक है, काम कर रहा है, ठेकेदार के साथ काम कर रहा है या फैक्ट्री में काम कर रहा है, यदि उसका पीएफ का मेंबरशिप नहीं है तो हमसे संपर्क करें दिए हुए नंबरों पे 6006567049 पे। जी, आपको बहुत सारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं, दूरदराज के इलाकों से भी सुन रहे हैं, गांवों में भी सुन रहे हैं, शहरों में भी सुन रहे हैं। जागरूकता की कमी रहती है, क्योंकि हम आपसे जो बात कर रहे हैं ईपीएफओ की और ये जो इंश्योरेंस होती है, इसके बारे में जागरूक बहुत से इलाकों में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। उनको काम तो करते हैं जाके ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जागरूकता की कमी रहती है, तो उस लिए भी हम आपसे बात कर रहे हैं। एक काम करने वाला है, कहीं पर काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर उसको लगता है कि मेरे साथ शायद ये ठीक नहीं हो रहा, जहाँ तक फाइनेंसिस का मसला है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से सामने आएं और बात करें अपनी, और किससे करें? फोन नंबर तो वैसे आपने बताया। तो प्यार से बात करें, रिक्वेस्ट करें अपने नियोक्ता को, कोई भी काम प्यार से जितनी आसानी से हो सकता है वो कोर्सन से नहीं होता है। बिल्कुल सही। मैंने यहाँ पे ऐसे भी नियोक्ता देखे कि जिन्होंने सिर्फ मेरे साथ एक कप चाय पी और एक शिक्षण संस्थान के मालिक ने 24 व्यक्ति पीएफ में जोड़े, या हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं, इरकॉन जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उनका हम सहयोग लेते हैं, इरकॉन के जो डायरेक्टर हैं पराग सक्सेना साहब वो दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन उनके इंटरवेंशन से हमने निधि आपके निकट, हमारा आउटरीच प्रोग्राम बनिहाल में हुआ, वहां पे कुछ बातें हुई, राइवल ग्रुप्स वर्कर और एम्प्लॉयर आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लेकिन उस मीटिंग में जो निर्णय हुए और उसके बाद हमने कुछ पत्राचार किया तो 300-400 वर्कर पीएफ में जुड़े बनिहाल क्षेत्र में, रेलवे प्रोजेक्ट्स के जो छूट गए थे उनको भी जोड़ा गया। तो इस तरीके से जब हम, अभी मैं पुंछ में था, 29 तारीख को निधि आपके निकट पुंछ में था, वहां पे जितने भी क्रशर्स हैं उनको एसोसिएट किया, बहुत से स्कूल हैं और उनकी भी मीटिंग ली, सुरनकोट के जो स्कूल्स थे उनको भी गाइडेंस दी गई, शाम को 5 से 6 के बीच में ये मीटिंग रही बारिश के दौरान, लेकिन जब ये लोग, इनसे हम डायलॉग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, तो लोग आगे बढ़ते हैं और पीएफ मेंबरशिप देते हैं, तो ये वाकई में बात बनेगी। और हमसे वो जुड़ जाए वर्कर, हमें अगर हम तक अप्रोच करेंगे तो हम भी फैसिलिटेट करेंगे कि उनकी मेंबरशिप बढ़ाई जाए। जी, अभी चलते चलते, क्योंकि सुबह का समय, शुरुआत हमने फिटनेस से की थी, चलते चलते भी आपसे फिटनेस पे बात करेंगे, साइकिलिंग से जुड़ा कोई रोचक किस्सा आप सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को, या आप फिटनेस के बारे में उन्हें कोई खास टिप्स देना चाहें तो दे सकते हैं चलते चलते। देखिए, मैं जो एक गोल सेटिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, साइकिलिंग में क्या होता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करते हैं आप, मैं एक 600 किलोमीटर की यात्रा पे था दिल्ली से हन्ना और वापस, तो वहां पे मुझे कॉम्प्लिकेशंस हुए थोड़े से। ओके। वहां पे मुझे ये पता चला कि आलू चाट मैंने यूज की पहली बार, और वो कोइंसिडेंटली मुझे दिखाई दे गई चलते हुए, और मैंने यूज किया और बहुत ही लाभकारी मिली, क्योंकि साइकिलिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है। जी, प्रोटीन डाइट तो लेना ही होता है आपको आफ्टर द राइड, बट ड्यूरिंग द राइड आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हेल्प करता है। तो आलू चाट में नमक होता है, चीनी होती है और आलू होता है, तो बहुत से फ्रूट्स होते हैं तो बहुत यूजफुल होता है, एक तो वो चीज थी। और एक लक्ष्य के नजदीक आना, गोल सेटिंग जब हम पढ़ाते हैं तो साइकिलिंग के इवेंट में मुझे अच्छी तरह याद है कि आखिरी के 35 किलोमीटर जब मैं दिल्ली बॉर्डर पहुंच गया था वापस लौटते वक्त, मेरी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे थी और एवरेज स्पीड उस आखिरी 35 किलोमीटर में 35 किलोमीटर की प्रति आवर, प्रति घंटा मैंने साइकिलिंग की। तो ये एक, जब आप मंजिल के करीब होते हैं तो कोई लक्ष्य मुश्किल काम कर रहे होते हैं और मंजिल के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल किस तरीके से बढ़ता है और मोटिवेशन कितना हाई होता है,
ये हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट्स को करके देखें अपने साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि 600 किलोमीटर साइकिलिंग करें, बट एटलीस्ट राइड टू वर्क प्लेस, अपने शहर को सुंदर बनाएं, कारपूल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और कम से कम जो डिस्टेंसेस, जो छोटे डिस्टेंस हैं, वहां पे साइकिल से जाएं। गाड़ी से चलना कोई बहुत बड़ी शान नहीं होती, क्योंकि हर शहर में मैं देखता हूँ बहुत बुरा ट्रैफिक जाम है, पहाड़ों पे ट्रैफिक जाम है, सुरनकोट में ट्रैफिक जाम देखा मैंने, पुंछ में ट्रैफिक जाम देखा, हर शहर में जाम देखता हूँ, और वहाँ की खूबसूरती, हाईली पॉल्यूटेड व्हीकल्स जब देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। तो कुछ कोशिश करें कि पॉल्यूशन कम करें अपने क्षेत्र में, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसकी ब्यूटी, यहाँ का जो सीरीनी ब्यूटी है, वही यहाँ का USP है, और शायद टूरिज्म उसी से चल रहा है। तो प्लीज वर्क फॉर द कॉज ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट। जी बिल्कुल, और अभी हम घड़ी देख रहे हैं और चलने का समय हो गया, चलते चलते हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं। वाकई में आज का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया हमारा, शुभ प्रभात प्रोग्राम हो गया, क्योंकि फिटनेस की बात भी होगी, आज के दिन की बात भी हो गई। बस मैं यही कहूंगा कि आप अपने हेल्थ के लिए काम करें, वर्कर्स को PF का मेंबरशिप दें जी। सभी नियोक्ता और हर वर्कर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा नाम रिजवानुद्दीन है, कभी भी आप उससे जुड़ना चाहें 600-656-7049 पे हमें व्हाट्सएप करें। जी, तो रिजवानुद्दीन साहब कमिश्नर जम्मू कश्मीर लद्दाख के एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ रहे आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और हमसे बड़ी अच्छी बातें आपने शेयर की। धन्यवाद शुभ प्रभात में हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद संजीव जी।